प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अदरव सबके बिन। वेलकम टू सत्यभैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्यभैरवी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। जी दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। पिक्चर का नाम है दूरदर्शन। या दोस्तों, नाम कुछ अच्छा है, नाम कुछ जाना मैंने जाना पहचाना सा है, बाकी काफी पुराना नाम है दूरदर्शन। या दोस्तों, आपको दूरदर्शन कहते हैं, अगर आप 80s किड्स है, अगर आप 90s किड्स है, तो आपको काफी अच्छी तरह याद रहेगा कि दूरदर्शन एक चैनल है जो गवर्नमेंट चैनल है, जो काफी सालों से चला रहा है। हमने 80s किड्स और 90s किड्स के लोगों को काफी मालूम होगा कि हम एक ही चैनल दिखा करते थे दूरदर्शन, और काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आया करता था। जैसा दूरदर्शन नाम का मतलब है दूर से दर्शन होना, जिसे कहते हैं दूरदर्शन। जैसे दिल्ली दूरदर्शन, दिल्ली से जब रेडियो होता था तो दूरदर्शन कहते थे। बस उसी बेस उसे नाम रख के इस बेस की कहानी है। थोड़ी 80s 90s की तरह एक कहानी है कि घर में एक बड़े बुजुर्ग होती है, एक बूढ़ी औरत, जो उनका एक पोता होता है और जो 40 साल का, और उनकी पत्नी होती है और उनके दो बड़े बच्चे होते हैं, और पति पत्नी के मृत्यु में मैं चलता और डाइवर्स लेना चाहते हैं, और बेटा जो है जवान होता है, और जिस घर के भाड़े में रहते हैं उसी घर के लड़की को वो लाइन मारता है, यानी उससे प्यार करता है। इस तरह स्टोरी और इस तरह चलता है, और इससे थोड़ा तू मैं चलता है, और बाद में जब उनके घर में जो बुजुर्ग होती है, जो बुढ़ी औरत जो एकदम अपनी याददाश्त खो चुकी होती है, जब उन्हें होश आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनको पुराने याददाश्त वापस उनको लाना है, तो वैसे माहौल उनको बनाना पड़ेगा, उन्हें कोई शॉक ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, वरना तो वो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसी बात को रखते पूरे पिक्चर इस पे ही बेस्ड है, इस तरह चलता है पिक्चर। ठीक है, आप देख सकते हैं, पर इतना कुछ खास नहीं है मैं तो कहूंगा। मेरे को पिक्चर तो कुछ खास लगा नहीं, बस जो बुजुर्ग औरत जो रोल की है उन्होंने काफी अच्छा एक्टिंग की उन्होंने, बाकी डायरेक्टर ने प्रेजेंटेशन काफी अच्छा किया, स्क्रीन प्ले भी ठीक है, पर पिक्चर में कुछ दम नहीं है, स्टोरी में कुछ दम नहीं है। बस यही खासियत है इस पिक्चर की, एक माइनस पॉइंट है। मैं इस पिक्चर को तो 5 में से 2 पॉइंट ही दूंगा, 2 स्टार ही दूंगा। मुझे तो ठीक लगा। अगर आप देख थिएटर में जाकर देखेंगे इस पिक्चर को, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और मेरे अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सत्याभैरवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।